कल कैंसर अवेयरनेस डे है। इस दिवस पर मैं अपने प्रिय भाईजन, मित्रों, बंधुओं और सभी परिवारजनों और देशवासियों से यह बताना चाहता हूँ कि कैंसर का एक मुख्य कारण हमारा जीवन शैली है। जीवन शैली जिसमें हम जीते हैं, रोज़मर्रा की वस्तुएं यूज़ करते हैं, जैसे हमारा एक माइक्रोवेव है जिसमें हम अपना खाना बनाते हैं, खाना पकाते हैं, गर्म करते हैं। अभी रिसेंटली हमें यह जानकारी आई है कि दो देश, जिसमें मेनली जापान और कोरिया, इन्होंने पूरी तरह से माइक्रोवेव के प्रोडक्शन पर बैन लगा दिया है और सभी फैक्ट्रीज को बंद कर दिया है। कारण इसका ये है कि जो हीट माइक्रोवेव में जनरेट होती है वो उसके अंदर मौजूद ऑक्सीजन को ऑक्सीजन फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करके जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनकी जो कहना चाहिए स्वास्थ्यवर्धक जो प्रोटीन्स होते हैं या गुण होते हैं उनको ख़त्म कर देती है और ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स कैंसर को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके अलावा जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो अभी कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, चाहे वो मेल हों चाहे फीमेल हों, आजकल टोबैको का सेवन बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। वो स्मोकिंग के रूप में हो सकता है, गुटके या तंबाकू के रूप में, या पान पराग, इस तरह की जो चीज़ें आजकल आती हैं और बड़े बड़े लोग इसका विज्ञापन भी करते हैं, उनको उनसे प्रभावित होकर या किसी और कारण से वो लोग इनको कंज्यूम करने लगते हैं, खाने लगते हैं, और कुछ समय के पश्चात, वो समय कुछ साल हो सकता है, उसके पश्चात मुंह कम खुलने लग जाता है और मुंह के कैंसर या जबान के कैंसर बनने लगते हैं। स्मोकिंग स्पेशली लंग कैंसर्स को बढ़ावा देता है या शरीर के किसी और अंग जैसे पेनक्रियास है, आंतें वगैरह हैं, उनके कैंसर में बढ़ावा करने लग जाता है।